और इंडिया गठबंधन के पास बहुमत नहीं है, लेकिन विपक्ष के इस गठबंधन ने जो बैठक की उसकी तैयारी बड़े पैमाने पर की गई थी। लग रहा था कि इंडिया गठबंधन की बैठक से कोई चौंकाने वाली और बड़ी बातें सामने आएंगी, लेकिन हुआ क्या इस रिपोर्ट में देखिए। इस चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटों पर कब्जा जमाया है और वो इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि क्या 234 सीटें जीतने वाला इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है? द इंडिया ब्लॉक विल कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट द फैसिस्ट रूल ऑफ द बीजेपी लेड बाय मोदी। वी विल टेक appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision. खरगे के घर इंडिया गठबंधन के नेताओं का तांता लगा रहा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी, एनसीपी के नेता शरद पवार और सुप्रिया सुले, आप नेता संजय सिंह, राघव चड्ढा समेत सभी नेता मीटिंग में मौजूद। खुद सोनिया गांधी भी मीटिंग में पहुंची। हमने ये तय किया है कि हमको जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट इस देश में जो फैसिज्म बढ़ रहा है, तानाशाही, संविधान के खिलाफ जो काम चल रहा है उसके खिलाफ मिला है जो करने वाले लोग हैं। तो हमको जब मौका मिलेगा, अप्रोप्रिएट टाइम का हम इंतज़ार कर रहे हैं, तब जो पीपल्स डिज़ायर है ये सरकार बदलने की, उस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। दरअसल इस बार देश की जनता ने किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। बीजेपी भले ही सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन पूर्ण बहुमत बीजेपी को भी नहीं मिला है। ऐसे में देश में फिर से गठबंधन की राजनीति का दौर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं उन्हें देखकर साफ कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए इंडिया गठबंधन को जरा भी मौका नहीं देगा। और इधर महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को महज 9 सीटें ही मिल सकी, जिसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने इस्तीफे की पेशकश की। उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसके बाद से वहां पर घमासान मचा हुआ है और उन्हें मनाने का दौर भी जारी है। तो लोकसभा चुनाव में LJPRV का स्ट्राइक रेट 100% रहा। पार्टी के 5 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। चिराग पासवान ने माना है कि सहयोगी पार्टियों के कैडर्स की मेहनत से ये रिजल्ट उनके पक्ष में गया और 100% स्ट्राइक रेट के साथ बिहार में एकमात्र पार्टी बन गई। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने एनडीए की सरकार बनने का दावा पुख्ता कर दिया। सीटों में कमी जरूर आई है, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं। कई रणनीतियां काम आई तो कई रणनीतियां फीकी पड़ गईं। बिहार में चिराग पासवान को 5 सीटें देने की रणनीति सही साबित हुई और LJPRV ने 100% के स्ट्राइक रेट के साथ 5 की 5 सीटें जीत ली। अपने जीते हुए उम्मीदवारों के साथ मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे चिराग पासवान ने जीत में सहयोगी पार्टियों के कैडरों का समर्थन मिलने की बात कही। 2019 के चुनाव में LJP को 6 सीटें मिली थी और सभी 6 सीटों पर LJP के उम्मीदवार जीते थे। 2024 में भी स्ट्राइक रेट 10 से 10 नहीं हुआ। चिराग के आत्मविश्वास ने कर दिखाया। उस दौर को भी याद करना होगा जब चिराग के कहने पर ही स्वर्गीय रामविलास पासवान UPA छोड़ NDA का हिस्सा बने थे और बेहतर प्रदर्शन किया था।
आज इस जीत के साथ चिराग जी रामविलास का असली राजनीतिक वारिस भी साबित